हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि लीला हसमुख को इन्फॉर्म करती है कि वनराज मुंबई पहुंच गया है। हसमुख को उस पर डाउट होता है कि वनराज मुंबई नहीं गया काम के लिए। लीला यहां पर हसमुख से कहती है, अपने ही बेटे पर शक करना बंद कीजिए। काव्या वहां आती है, लीला देखती है काव्या को, कहती है तुम कहां जा रही हो, मंदिर वनराज के लिए प्रार्थना करने या फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। काव्या कहती है, वनराज और लीला आप दोनों की जो करंट इच्छा है वो यही है कि आप अनुपमा को वापस ले आएं। हसमुख कहता है काव्या से, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। काव्या कहती है हसमुख से, क्योंकि आप इस सच से मना नहीं कर सकते। बा कहती है काव्या से कि इवन तुमने भी तो अनिरुद्ध को कॉल किया था ना। काव्या कहती है बा से कि हाँ, अनिरुद्ध यहाँ है मेरे पास एक दोस्त की तरह। मैं वनराज की तरह नहीं हूँ जो अपनी दोस्ती होने के लिए भी मना कर रही हूँ। लीला कहती है काव्या से कि जब से वनराज यहाँ पर अनुपमा से दोस्ती करने की बात कर रहा है, तुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तू भी तो अनिरुद्ध को कॉल करती है ना। अनिरुद्ध वहाँ आता है, बा अनिरुद्ध को वेलकम करती है। वो कहती है कि अपना ही घर समझो। अनिरुद्ध बैठता है बहुत कंफ्यूज। हंसमुख यहाँ लीला से कहते हैं, चुप रहो, आराम से रहो। डिम्पल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड वे में खड़ी रहती है। समर डिम्पल से कहता है कि क्या हुआ, मुझे बाहर क्यों बुलाया। डिम्पल कहती है समर से कि क्या तुम सीरियसली चाहते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, यहाँ जानना चाहते हो। समर डिम्पल से कहता है कि हाँ, तुम इरिटेट क्यों रही हो। डिम्पल कहती है देखो, जब से अनुपमा लौटी हैं तब से हर कोई हमें इस एकेडमी से बाहर निकालने के लिए मन बना रहा है। तभी वो कहती है, मम्मा की एब्सेंसी में ये सारी चीज़ें हमने चलाई थी, इसीलिए हम भी तो इस एकेडमी का क्रेडिट डिज़र्व करते हैं। समर डिम्पी से कहता है कि तुम बेफालतू में ओवर मत सोचो। और वो डिम्पल को समझाने की कोशिश करता है कि अनुपमा सपोर्टेड करती है हमारे लॉज में और अब उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। डिम्पल कहती है समर से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पारितोष भी हमारे इस डांस एकेडमी के अकाउंट्स में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और अब पारितोष तभी यहाँ पर डिम्पल और समर को बुला लेता है। माया एक सपना देखती है अनुज के साथ कि वो बहुत खुश है। तभी वनराज उसके अंदर टकरा जाता है। वो देखता है कि कैसे बहुत ही ज़्यादा अजीब से रिएक्शन के साथ में माया उसे देख रही है। पारितोष इंक्वायर करता है अकाउंट्स के बारे में। डिम्पल बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, वो आउटबर्स हो जाती है पारितोष और अनुपमा पर इतनी अकाउंट्स के बारे में इंक्वायरी करने पर। डिम्पल कहती है कि हम कोई चोर नहीं है। अनुपमा कहती है, तुम ऐसे क्यों चढ़ रही हो बेटा। डिम्पल कहती है अनुपमा से कि जब तक आप नहीं थी तब तक हमने ही ये संभाला था ना। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहती है कि पेरेंट्स यहाँ पर हमारे साथ खड़े होने बंद हो गए थे, तब हमने इस एकेडमी को अपने दम पर चलाया था। डिम्पल कहती है कि अब मेरे ख्याल से हमें इस एकेडमी का नाम भी चेंज कर देना चाहिए। अनुपमा और पारितोष किंजल ये देख कर के काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह जाते हैं। अनुपमा कहती है, डांस एकेडमी मेरे जीने की वजह है। डिम्पल कहती है, लेकिन आपके एब्सेंस में मैंने और समर ने मैनेज किया है, हम अपने हार्डवर्क को इस तरीके से जाने तो नहीं दे सकते। पाकी या अनुपमा के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करती है, लेकिन डिम्पल उसे कहती है, तुम तो हो ही एहसान फरामोश। डिम्पल पाकी के साथ आर्ग्यू करना शुरू करती है। समर पाकी से कहते हैं काम डाउन। पारितोष यहाँ पूछता है समर से कि तुम डिम्पल को रोक क्यों नहीं रहे हो। डिम्पल पारितोष किंजल और पाकी के साथ आर्ग्यू करती है। इधर अनुज वनराज से कहता है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ तुम्हारा आना कैसे हुआ। वनराज कहता है अनुज से कि हाँ, अगर तुम अनुपमा के बारे में नहीं जानना चाहते तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम्हारे बिना अनुपमा एकदम ठीक है। ये सुनकर के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। मिले ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।